हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। दोस्तों, हम क्लास 9th के प्रोज सेक्शन से द फन दे हैड, जो कि एक साइंस फिक्शन से इंस्पायर्ड एक ऐसे है, उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऐसे में किन किन चीज़ों पे, कहानी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो कहानी लिखी है इजैक एजिमोव ने, जो कि 1920 से 1992 तक रहे। उन्होंने साइंस फिक्शन में बहुत सारा कुछ लिखा है। मुख्तसरन तौर पे वर्ल्ड वॉर सेकंड में उन्होंने काम किया, फिर पीएचडी डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हासिल की और उन्होंने बहुत सारा साइंस फिक्शन का काम लिखा है, जैसे कि रोबोट, फाउंडेशन, द फाउंडेशन ट्रिलॉजी, द फाउंडेशन एज, नेकेड सन, द गॉड्स देमसेल्व्स। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दुनिया का सबसे इन अजीम जो साइंस फिक्शन लिखने वाला जो बंदा है, उसने खुद कभी भी हवाई जहाज से सफर नहीं किया। ठीक। नाउ बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोज, यहां लिखा है कि कैन यू इमेजिन द टाइम व्हेन ऑल द बुक्स एंड स्कूल्स शैल वैनिश, एजुकेशन शैल बी इम्पार्टेड थ्रू कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लास रूम्स। वुड यू लाइक सच अ सिस्टम? द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग शैल बी डन अवे विद। ऑल द स्टूडेंट्स शैल बिकम टेक्नो सेवी, दैट शैल दे शैल इंटरैक्ट विद द टीचर ऑन स्क्रीन। इस चैप्टर में जो कुछ बताया गया है, कहीं ना कहीं उसके 60 to 70% जो एलिमेंट्स हैं, वो अभी के स्टूडेंट्स इस टाइम पे वो उस तौर के एजुकेशन को सर्व कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर द पेंडेमिक, कि जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हो गए, जिस तरह से टीचर्स के साथ उनका स्क्रीन पे इंटरेक्शन हो रहा है, लाइव क्लासरूम्स नहीं हो रहे हैं। तो उसके बग तो दिस पैंडेमिक सम हाउ पेव द वे फॉर द वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम। सो यहाँ पे भी ये है कि क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसा वक्त जब किताबें और स्कूल खत्म हो जाएंगी और एजुकेशन कंप्यूटर और वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा दिया जाएगा। क्या आप एक ऐसा सिस्टम पसंद करते हैं, पसंद करोगे? द स्टोरी वी शैल रेडी सेट इन फ्यूचर व्हेन द ट्रेडिशन। ये कहानी फ्यूचर में सेट की गई है, जहां पे कोई भी ट्रेडिशनल पढ़ने और लिखने के तरीके नहीं है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू है और जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही टेक्नो सेवी हो चुके हैं। और वो अपने टीचर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? स्क्रीन्स के साथ, कंप्यूटर स्क्रीन्स के साथ। नाउ कहानी की शुरुआत में ये होता ये है कि मार्जी ने अपने डायरी पे लिखा पेज हेडेड 17 मई 2157। तो इसका लिखने का मतलब ये है कि राइटर ने टाइम सेट किया कि ये अभी से तकरीबन 100 150 साल आगे की कहानी है, 2157-17 में। और उस पे लिखा है कि टॉमी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसमें इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा है कि आज टॉमी ने एक हकीकी किताब फाउंड किया, यानी कि हम जिस तरह से आजकल की किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में किताबें तो होंगी नहीं। ये एक पुरानी किताब थी, मार्जी के ग्रैंडफादर ने ये कहा था कि जब वो छोटा छोटे से बच्चे थे तो उनकी उनकी उनके दादाजी ने उनसे ये कहा था कि देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त ऐसा था कि कहानियां किस पे छपती थी? प्रिंटेड पेपर पे, पेपर पे छपती थी। और फिर क्या हो गया कि उन्होंने दे टर्न तो फिर क्या हुआ कि मार्जी ने इस पेजेस के पन्नों को वो उसमें ये लिखा है कि जो किताबें पढ़ते थे उनके पेजेस क्या होते थे, येलो होते थे और क्रिंकली होते। इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये बहुत ही उनके लिए मजाक जैसा था कि किताबों से इस तरह से वर्ड्स को पढ़ना, इंस्टेड ऑफ द मूविंग द वे दे वर, क्योंकि वो तो स्क्रीन पे मूविंग जो कैरेक्टर्स या वर्ड्स के आदि हो चुके थे। एंड दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स इन दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट। तो जिस तरह से मार्जी और इसके भाई में बात हो रही है, तो जिस तरह से वो किताबें पढ़ रहे थे और उसके बाद वापस से उनको वो वर्ड्स दोबारा नजर आ रहे थे, इट वाज क्वाइट अम्यूजिंग फॉर मार्जी।
क्योंकि देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर दोबारा से उस पेज पे वो वापस चले जाते हैं. इट हैड द सेम वर्ड्स उस पेज पे, कोई भी चेंज नहीं था, वो वर्ड्स वही सिमिलर वर्ड्स थे उस पे. तो जो पहली बार उन्होंने पढ़ा था मार्जी ने, तो ये मार्जी के लिए काफी एक स्ट्रेंज सी बात थी कि क्योंकि स्क्रीन पे उनको आदत नहीं थी, जो एक स्क्रीन पे एक वर्ड जो निकल जाता था उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू. तो पेपर पे बुक्स में वो फैसिलिटी है कि आप उस पेज पे जाके दोबारा उसको टच या फील या देख सकते हैं. तो टॉमी ने उस गी कहा, अपने बहन को उसके नाम से पुकारा, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव वेल हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे. तो ये क्या कह रहा था, क्या क्या कह रहा था, ये तो वक्त की बर्बादी है. मुझे लगता है कि ये किताब पढ़ने के बाद शायद फेंक देते होंगे. जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है उसमें हमारे पास लाखों करोड़ों किताबें हैं, और उसमें उससे भी ज्यादा किताबें आ सकती हैं, और हम कभी भी इसको फेंक फेंकेंगे नहीं. तो टॉमी की इस बात को सुन के मार्जी ने कहा कि हाँ, मेरा भी यही मानना है. कि उन्होंने कहा कि मार्जी कहती है कि शी वॉज 11 एंड हैडन सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13. वो कह रही है कि मैं 11 साल की हूँ और मैंने इतनी किताबें टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितने की टॉमी ने देखी हैं, और टॉमी सिर्फ उससे 2 साल बड़ा है, यानी कि 13 साल बड़ा है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. तो मार्गी ने उसके बाद ये जब बातचीत हुई उनके बीच में, तो उसने कहा कि आपको ये किताब मिली कहाँ पे. तो टॉमी कहता है कि हमारे घर में, और ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दैट आइज व्हाट्स इट अबाउट. और उसने मार्जी को बिना देखे ही किताब पढ़ते पढ़ते ही ये कहा कि मैंने घर में मुझे ये मिला. तो मार्जी उसे कहने लगी कि व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में. तो वो कहने लगे स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज कॉर्नफुल. अब मार्गी बिल्कुल ही अजीबो गरीब सी हो गई उसकी कैफियत. स्कूल, उसमें सॉर्ट ऑफ डिस्गस्ट, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लायक है ही क्या. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत है. तो फिर उसके बाद मार्गी का ये था कि मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती आ रही थी, बट जब अभी उसने जब ये बात सुनी तो उसकी नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई. क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसका, जो यानी कि जो रोबोटिक टीचर था, उसने उसे ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे टेस्ट दिए थे, और उन सारे टेस्ट में मार्जी की जो परफॉर्मेंस है बहुत खराब आ रही थी, और इतनी खराब आ रही थी कि उसकी मदर परेशान हो गई और उसने मार्जी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा कि माजरा क्या है, क्यों इसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है. तो उनके पास गए तो जो काउंटी इंस्पेक्टर जो था, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, ये एक छोटा सा गोल जैसा एक आदमी था, उसके लाल चेहरे थे, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और एक डब्बा था, और उस डब्बे में क्या था, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उनपे नंबर के डायलिंग के नंबर्स और उस पे तार थे. उसने मार्जी को देखते ही स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया, एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उसने टीचर से उसको अलग कर दिया. मार्जी हैड होप दैट होप ही वुडन नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ टू राइट इट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन एंड क्वेश्चन वेयर आस्क. मार्गी को पहले पहले लगा कि उसे ये करना नहीं आएगा उसको, बट ही न्यू हाउ टू राइट इट, मगर वो जानता था कौन काउंटी इंस्पेक्टर किस तरह से इन चीजों को करना. 1 घंटे के बाद उसने सारी चीजें ठीक की, और उसके बाद बड़ा सा काला और अगली सा एक जो बिग स्क्रीन है उसमें सारे लेसन्स रिस्टोर हो गए, वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चंस पूछे गए. दैट वाजंट सो बैड, दैट द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. टेस्ट देना उसे इतना मुश्किल नहीं लगता था, बट उसे सबसे गंदी चीज ये लगती थी कि जो आखिर में जो स्लॉट के अंदर होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर
learned when she was year 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और उसे हमेशा उसे ये लिखना पड़ता था और एक पंच कोड पे. एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड. वो 6 साल की जब से थी उसको इसी तरह से सिखाया जाता था, पढ़ाया सिखाया जाता था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और बिना किसी टाइम में जो मैकेनिकल टीचर था वो उनके मार्क्स को कैलकुलेट करता था. तो हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंटिन्यू करते हैं.